ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପଲିଟିସିଆନ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦକୁ ଏକାଠି ଅନ୍ଧେରୀ ଜିମ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ଏକ ରେଡ୍ କଲର୍ ଟପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ରେ ଓ ଉର୍ଫି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟପ୍ରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ବଲିଉଡ୍ ଓ ଟିଭିରେ କାହାକୁ ବା ଅଜଣା, ତାଙ୍କର ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ଓ ଅଭିନୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ନିକଟରେ ଉର୍ଫି ଓଟିଟି ବିଗ୍ ବସ୍ରୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ବିଗ୍ ବସ୍ କି ଉର୍ଫି ପହିଲେ ହପ୍ତା ମେ ଆଉଟ୍ ହୁଇ। ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ସ୍ୟାଡ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ପୁଟ୍ ହର ଅଗେନ୍ ବିକଜ୍ ଶି ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ। ରାକ୍ଷୀ କି ତୁ ବିଗ୍ ବସ୍ କୋ ସୁନ୍ନି ପଡେଗି। ରାକ୍ଷୀ ମଜାରେ ନିଜକୁ ବିଗ୍ ବସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। बिग बॉस मेरे पति है ना, मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल करने को तैयार हूँ बिग बॉस के साथ। ओ गॉड, मतलब तुम दिव्या अग्रवाल का काम करोगी? वो जैसे बीच में कबाब में हड्डी घुस जाती है दो लोगों की। मैं मसाला बनूंगी ना ऊपर से। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ପରେ ଉର୍ଫିଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ ହାଉସ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। दिव्या ने एक तरफ इसका कनेक्शन तोड़ा, फिर जिशान को पटाया, उसका कनेक्शन बनाया और इसको घर से बाहर कर दिया। वो उसका यही काम है, हर शो में जाके वो यही करती है। उसका बस लड़कों को इधर उधर ऐसे ही पढ़ाती रहती है। ପୁଣି ସେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇ ଉର୍ଫିଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଦେବା ନେଇ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଥିଲେ। ତୁମକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଜାନା ଚାହିଏ ଥା। ଆଇ ମେ ହମ ଲୋଗ ବିଗ୍ ବସ୍ ହାଉସ୍ ମେ ଚଲତେ ମେ ୱାପସ୍ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ୱାଲା ଡ୍ରେସ୍ ପହନ୍ତି ହୁଁ, ତୁମକୁ ଉଡାତି ହୁଁ ଏସେ, ତୁମକୁ ବିଗ୍ ବସ୍ ହାଉସ୍ ମେ ୱାପସ୍ ଡାଲ ଦେତି ହୁଁ। ମେ କୁଛ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ନହିଁ, ମେ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ବନ୍ ଜାତି ହୁଁ। ମେ କୁଛ ତୋ ଦୋନୋ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଚମଗାଦଡ଼। ଚମଗାଦଡ଼ ଅନକେ ଜାଉଁ। ମେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ଔର ଚମଗାଦଡ଼। ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍। ଚମଗାଦଡ଼ ଚମଗାଦଡ଼ ଆଦମୀ ନହିଁ, ଚମଗାଦଡ଼ ୱୁମେନ୍। ୱୁମେନ୍ ତୁମ ଚିପକ ଜାନା ଇସ୍ ବାର। जाके गेट से चिपक जाओगे, खोलो नहीं तो अब मैं नहीं निकल रही। बिग बॉस कितना भी बोलो उर्फी आउट, तुम बिग बॉस को बर्फी दे देना। मैं जाके कोने में छिप जाऊंगी, निकाल के दिखाओ मुझे यहाँ से। कैमरों की नजर, मैं कैमरों के तार उतर दूंगी जाके। इस बार तो तुम प्रतीक को पटा लेना एकदम, क्योंकि नेहा भसीन का दिल अभी प्रतीक पे बहुत ज्यादा आ रहा है। पर दर्शकों को वूट रा ओटीटी बिग बॉस देखा को अनुरोध मध्य करथिले। अरे दोस्तों क्या मिस कर रहे हो यार, बिग बॉस देखो ओटीटी पे जाके। 24/7 में आग लगी हुई है यार, जाके देखो। तेबे यही समय रे जने असहाय व्यक्ति ऐसे सहाय्य मांगी थीले। तो अरे सुसाइड क्यों करना, कोरोना तो तुम्हारे घर में नहीं आता, सबके घर में आया था। सबके घर में आता सुसाइड क्यों करना, एक ही जिंदगी है बेटा, एक ही जिंदगी है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है, कोरोना आया भी और चला भी गया मुंह उठा के। तुम बचे हो, ईश्वर को शुक्रिया अदा करो, है कि नहीं बेबी? सुसाइड तो आप कभी भी कर सकते हो, वो तो ऑप्शन हमेशा है ना आपके पास, मतलब कभी भी कर सकते हो। पहले ट्राई तो करो जिंदगी। ये करो, ये करो, पहले ये करो। तंबाकू देखो, तंबाकू देखो, देखो दोस्तों देखो, ये करो, ये देखो, ये करो, ये करो, ये करो। तंबाकू देखो कितना खा रहा है, तुम कितने ये क्या क्या पैसा, अच्छा कितना पैसा चाहिए और क्या करोगे, दुकान चलाओगे कि दारू पियोगे और ड्रग्स लोगे? पक्का सच बताओ, पक्का वादा? ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। वो हम जितना आपसे मदद हो सके, पहले मैं आपका बैकग्राउंड चेंज करूं, चेंज नहीं चेक करूंगी, समझ गए? क्योंकि मैं पैसा दूंगी बट अंधी होके पैसा मैं नहीं दे सकती। पहले देखूंगी कि आप पैसे का इस्तेमाल सही करोगे या नहीं, क्योंकि मैं किसी भी इंसान को जॉब लगा सकती हूँ, पैसा देके उसके आदत बिगाड़ नहीं सकती हूँ मैं। कि तुम आप आज आपने मेरे पास मांगा, किसी कल किसी और के पास मांगोगे नहीं, है ना? बट हम आपकी जरूर मदद करेंगे, ठीक है? थैंक यू।